Welcome students in the fourth part of this topic helping verbs. बेटा second number का जो helping verb होता है उसका नाम है बेटा to have. अब इसका अर्थ होता है के पास होना. अब देखो के पास होना, इसका उपयोग मालिकी, जिसको इंग्लिश में मास्टरी या ओनरशिप कहते हैं, इसका उपयोग मालिकी बताने के लिए किया जाता है. बेटा जिस समय वाक्य में जो करता है उसकी कोई मालिकी बतानी है, उसका कुछ ओनरशिप बताना है कि भाई ये वस्तु दी हुई है, ये संज्ञा दी गई है और इसका मालिकी ये है, तो वहाँ पर मालिकी बताने के लिए हैव का उपयोग किया जाता है. अब इसके वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में यदि एक वचन का सिंगुलर का कर्ता दिया गया है तो वहाँ पर हैज़ का उपयोग किया जाएगा, और यदि बहुवचन प्लूरल का कर्ता दिया गया है तो वहाँ पर हैव लगाया जाता है. अब जो हैज़ और हैव है इसके वाक्य के अंत में के पास है का अर्थ देखने को मिलता है. हैज़ और हैव दोनों का मीनिंग सेम आएगा, वाक्य का जो सेंटेंस होगा उसके एंड में हमेशा के पास है का अर्थ देखने को मिलता है. अब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, भारत के पास शक्तिशाली सेना है. तो देखो भारत के पास है, अगेन मीनिंग के पास है, तो के पास है यानी हैज़ या हैव आएगा, और भारत के पास यानी भारत की मालिकी हो गई, तो भारत यानी हो गया हमारा इंडिया. अब इंडिया हमारा एक वचन है, एक कंट्री का नाम है, तो एक वचन के साथ हैज़ आता है, तो इंडिया हैज़. शक्तिशाली सेना यानी एक शक्तिशाली सेना है, तो अ पावरफुल आर्मी. देखो ये भारत मालिक हो गया और उसके पास ये वस्तु आ गई. हमारे माता पिता के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो देखो के पास हैं, तो जिम्मेदारियों के मालिक कौन हो गए, हमारे माता और पिता, तो यहाँ हो जाएगा आवर पेरेंट्स. अब बड़ा पेरेंट्स एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ, बहुवचन हो गया, एक से अधिक हो गए तो बहुवचन हो गया, जिसको इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, तो आवर पेरेंट्स हैव, उनके पास हैं. बहुत सारी जवाबदारियाँ, तो बहुत सारी यानी मैनी, और जवाबदारियाँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हैव मैनी रिस्पॉन्सि बिलिटीज, तो देखो ये हैव का उपयोग हो गया. अब अगर ये पास्ट टेंस दिया गया होता है तो पास्ट टेंस में हैव का जो रूप होता है उसे हैड के रूप में लिखा जाता है, और इसके वाक्य के अंत में के पास था का अर्थ देखने को मिलता है. अब जैसे यहाँ पर दिया नैन के पास पुरानी साइकिल थी, तो देखो के पास थी यानी वो साइकिल की मालिकी किसकी हो गई बेटा, नैन की हो गई, तो यहाँ हो जाएगा नैन के पास था यानी पास्ट टेंस, तो नैन हैड एन ओल्ड बाइसिकल. देखो हो गया, ये मालिकी हो गई साइकिल की उसकी. राधा के पास हमारी पुस्तकें थी, तो देखो के पास थी, तो के पास थी यानी पास्ट टेंस हो गया. अब किसके पास थी बेटा, राधा के पास, तो राधा हैड हमारी पुस्तकें, तो आवर बुक्स. तो देखो बुक्स तो हमारी है लेकिन वो मालिकी किसकी हो गई बेटा, राधा की हो गई, और पास्ट टेंस हो गया इसलिए हैड आ गया. अब अगर ये फ्यूचर टेंस हो तो बड़ा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, भविष्यकाल में सेल तथा विल यानी सेल या विल के साथ हमेशा हैव लगाया जाता है. अब इसके वाक्य के अंत में के पास होगा का अर्थ देखने को मिलता है. अब जैसे यहाँ पर दिया है दुकानदार के पास बहुत सारे कार्य होंगे, तो के पास होंगे. अब अगर के पास है तो प्रेजेंट हो गया, के पास था तो पास्ट हो गया, और के पास होगा या होगी या होंगे हो गया तो फ्यूचर हो गया, और जो फ्यूचर का वाक्य होता है वो कभी भी सेल या विल के बिना बन सकता नहीं है. तो यहाँ पर पहले कर्ता कौन हो गया बेटा, हमारा दुकानदार. देखिए तो यहाँ द शॉपकीपर हो गया, फ्यूचर है तो विल के साथ हैव आ गया, तो द शॉपकीपर विल हैव. बहुत सारे कार्य तो मैनी वर्क्स. राजू के पास आपका दायित्व होगा, तो देखो के पास होगा यानी फ्यूचर हो गया, तो के पास है तो हैव का मीनिंग तो आएगा ही, तो राजू विल हैव आपका यानी योर, और दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो राजू विल हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा बेटा हो गया फ्यूचर टेंस. अब हमने हैव में क्या सीखा, तो इसके जो भी वाक्य होंगे उसमें के पास का अर्थ देखने को मिलेगा. अब अगर मान लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ है जाएगा और बहुवचन के साथ हैव आएगा. अगर वो पास्ट टेंस है तो वहाँ पर हैड आएगा और वाक्य के अंत में के पास था या के पास थी या के पास होगा. और अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य बेटा
तो फ्यूचर कभी भी शैल या विल के बिना नहीं बन सकता, तो शैल या विल के साथ वहाँ पर हैव देखने को मिलेगा। और इसके वाक्य के अंत में के पास होगा या के पास होगी या के पास होंगे का मीनिंग देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम तीसरे नंबर के हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करेंगे।